हाय हेलो, कैसे हैं जी? चलें अगले एक्सरसाइज में। देखिए, इसमें हमें दे रखा है कुछ इक्वेशंस और इसी कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो आपका क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उस फॉर्म में हमें फाइंड आउट करके इसको गिवन इक्वेशन को ले जाना है। तो आइए, फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखा है x प्लस सेवन वाई इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स सेवन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन सेवन, सो इट शुड बी रिटन एज y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सेवन एक्स प्लस जीरो। एम इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सेवन एंड c इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हमारा जीरो आ गया और स्लोप आ गया क्या, माइनस वन अपॉन सेवन। सेकेंड इक्वेशन है सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। प्लीज प्लीज, सॉरी, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि निकालें 6x प्लस 5। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन थ्री, और इट शुड बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू माइनस सिक्स है, कट कर सकते हैं, माइनस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री। सो m इज इक्वल टू माइनस टू एंड इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री। ये हमारा इंटरसेप्ट निकल गया, माइनस टू और फाइव अपॉन थ्री। थर्ड इक्वेशन में चलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। इसी का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू जीरो। अरे वाह वाह, क्या बात है, y इज इक्वल टू जीरो, सो इट शुड बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस जीरो। दैट मीन्स m इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू जीरो। जब y जीरो तो सब जीरो, सारे जीरो, जीरो जीरो इज आंसर। सेकेंड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट, यहां भी हमें यही कह रहे हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स, ऑन द एक्सिस, उस एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना। बात तो वही हो गया। देखो जी, फर्स्ट हमें दे रखा है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व, थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व, और y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, थ्री अपॉन टू एक्स माइनस सिक्स, थ्री अपॉन टू एक्स क्योंकि माइनस टू से हम डिवाइड करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसल, और ये जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। यानी यहां पर हमें क्या मिला, कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो इसको फॉर्म में, ये तो y, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये x अपॉन ए वन से निकालना है, ये गलत हो गया, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, स्लोप निकाल दिया हमने, हमें a और b निकालना है। वो हमारा फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस
y अपॉन बी इज इक्वल टू वन. तो अब हम इसके फॉर्मूला लाते हैं, इसको इस फॉर्मूला ना, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12. सभी को 12 से डिवाइड करो भाई. 3x अपॉन 12 माइनस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12. यहां 1 चाहिए, ये कैंसिल होके 1 हो गया. यहां 2 से 6 हो गया, 3 4, दैट मींस x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन, इसको प्लस लगा दें तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6y इज इक्वल टू 1. तो a हमारे पास हो गया 4 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6. b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, ये हमारा इंटरसेप्ट निकला. ठीक है, 6 ही होगा ना, माइनस 1 क्यों ले रहा हूं, अपॉन में ही फाइनल होता है ना, तो y अपॉन 6, y अपॉन इस फॉर्म में लाना है 3x माइनस 2y. अच्छा, इक्वेशन में हमने गलती किया इसलिए माइनस दिख रहा है, यहां पर प्लस है भैया, तो ये भी प्लस हो जाएगा. चलो, इसका सेकेंड पार्ट, इसके लिए हमें इसको साफ करना होगा, कर देते हैं. इक्वेशन हमें दे रखा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सभी को 6 से डिवाइड कर दो. 4 अपॉन 6x माइनस 3 अपॉन 6y इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, कट के ये 1 आ गया. 1 2 2 3, 2 अपॉन 3x प्लस माइनस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 1. अब ये हमारा माइनस में आ सकता है, इसको a जो हमारा क्या बनेगा, 3 अपॉन 6 से हमने डिवाइड किया तो 4 अपॉन 6 यानी x अपॉन 2 अपॉन 3, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा यानी x इंटरसेप्ट हमारा क्या बन जाएगा, 3 अपॉन 2. x अपॉन ऊपर तो 2 अपॉन 3 प्लस माइनस नीचे लिख लेंगे y अपॉन 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. सभी को 6 से डिवाइड किया, ये बन गया a इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. क्यों यहां मिस्टेक, सभी को 4 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 6 वाई, 6 अपॉन 6 ये कट के 1 हुआ, ये कट के 2, ये कट के 2 अपॉन 3, यानी a हमारे पास 2 अपॉन 3, b हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या बन जाएगा जब फॉर्मुलेट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x है यानी x अपॉन 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं. ये माइनस, इसको माइनस को प्लस करेंगे तो y अपॉन, यहां 1 अपॉन 2 मिला है, 1 अपॉन 2 है तो हम इसको सीधा माइनस 2 लिख सकते हैं, अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. सो a इंटरसेप्ट r 3 अपॉन 2 एंड माइनस 2. थर्ड पार्ट इसी का, इक्वेशन है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0
एक्स तो है ही नहीं, तो यहां पर तो सोचने की बात ही नहीं है, एक्स हमारा जीरो हो जाएगा। हम इसको लिख लेंगे एक्स जीरो अपॉन एक्स, तो एक्स तो अपना जीरो ही हो गया, जीरो इंटू एक्स प्लस माइनस टू हो जाएगा, थ्री अपॉन टू वाई, क्योंकि माइनस से करेंगे, दिस इंप्लाइज थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू, यहां पर वन चाहिए तो ये वाई हमारा क्या बन जाएगा, वाई माइनस वाई अपॉन थ्री अपॉन टू, टू से डिवाइड करेंगे थ्री अपॉन टू, तो थ्री थ्री ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो एंड माइनस टू अपॉन थ्री, ये आंसर। ये तो इक्वेशन को चेंज करने था, अगले क्वेश्चंस में हम लोग जो भी मांगेगा उसको करेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। बाय।